everyone, welcome back to my channel. Let's cook scrumptious. So Maggie पसंद आती है ना सबको, बहुत अच्छी लगती है और हम 10-15 दिन में एक बार मैगी तो ज़रूर खा ही लेते हैं. एटलीस्ट मेरे घर में तो बनती है एंड आई नो आपके घर में भी ज़रूर बनती होगी. एंड बच्चों को मैगी तो बहुत पसंद आती है और इंस्टेंट बन जाती है. बट आज हम उसी मैगी से एक डिफरेंट रेसिपी बनाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा फिलिंग होगी, बहुत टेस्टी होगी और एकदम डिफरेंट होगी. तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए देखते हैं फटाफट से ये मैगी की रेसिपी. नाम क्या दिया है मैंने इसको, चीजी मैगी सैंडविच. यस फ्रेंड्स, तो चलिए बनाते हैं. तो मैगी सैंडविच बनाने के लिए मैंने आटा ब्रेड का यूज़ किया है. आप चाहें तो वाइट ब्रेड का यूज़ भी कर सकते हो. अब मैंने 4 स्लाइसेस बनाने हैं तो उसके लिए मैंने एक एक चम्मच प्लेन मायो यानी कि मेयोनेज ऐड किया है. इसको मैं अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ. आपके पास अगर फ्लेवर वाला मेयोनेज है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, उससे और भी ज़्यादा टेस्ट इन्हांस हो जाएगा आपके ब्रेड मैगी सैंडविच का. अब हम इसके अंदर स्टफ करेंगे मैगी. तो ये लेफ्ट ओवर मैगी मेरे पास पड़ी थी, आप चाहे तो स्पेशली भी मैगी बना सकते हो. ये सिंपल मैगी का वर्जन है. अगर आप वेजिटेबल मैगी बनाते हो वो भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, आटा मैगी भी ऐड कर सकते हो, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है. तो मैंने अच्छे से 4 स्लाइसेस के ऊपर स्प्रेड कर दी है मैगी. अब हम इसके ऊपर डालेंगे चीज़. तो ये मैंने मोज़रेला चीज़ का यूज़ किया है. 2 स्लाइसेस पे मैं डालूंगी मोज़रेला चीज़, 2 मैं सिंपल ही रखूंगी. और इसके ऊपर मैंने जो मसाला डाला है ये मिक्स हर्ब मसाला है. इसमें मैंने नमक ऐड किया है, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है, थोड़े से हर्ब्स ऐड करे हैं और इसको मैं कवर कर दूंगी दूसरी स्लाइस से, जैसे हम सैंडविच बनाते हैं. अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट है. अब हमें एक और लेयरिंग करेंगे. यहाँ पर हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस. तो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस मैं यूजुअली अपने पास रखती हूँ, आप चाहे तो घर पर भी बना सकते हो. अगर आपके पास पिज़्ज़ा पास्ता सॉस नहीं है तो आप नॉर्मल केचप, टोमेटो केचप का यूज़ भी कर सकते हो. तो ये हम बहुत अच्छे से स्प्रेड कर देंगे 4 ही स्लाइसिस के ऊपर. तो आई होप आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लग रही होगी. तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. अब हम इसके ऊपर डालेंगे बहुत सारे वेजिटेबल्स, क्योंकि थोड़ा हेल्दी ट्विस्ट भी दे देते हैं हम अपने रेसिपीज़ को. तो यहाँ पर मैंने बहुत कलरफुल कैप्सिकम, अनियंस, टमाटोज, थोड़ा सा धनिया पत्ता ताकि अच्छा फ्लेवर आए, वो भी ऐड किया है. तो डिपेंड करता है आप कोई भी वेजिटेबल्स का यूज़ कर सकते हो. अब इसके ऊपर हम अगेन डालेंगे मोज़रेला चीज़. तो क्योंकि हम चीज़ी सैंडविच बना रहे हैं तो चीज़ तो मैंडेटरी है ही, और जब ये मेल्ट होगी तो बहुत ही टेस्टी आपका चीज़ी सैंडविच बनने वाला है. तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही इजी है, बहुत ही टेस्टी है एंड आई एम श्योर बच्चों को तो ये बहुत पसंद आएगी. अब हम इसके ऊपर डालेंगे अमूल चीज़ सॉस. ये जो सॉस है बहुत अगेन टेस्टी है, आप ट्राई करिए, टोटली ऑप्शनल है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका. अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं. अब इसके ऊपर हम रखेंगे एक एक चीज़ स्लाइस. तो चीज़ स्लाइस भी बच्चों की फेवरेट होती है, बहुत ही टेस्टी होती है. तो हर एक के ऊपर हमने चीज़ स्लाइस डाल देंगे. ये भी टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चीज़ स्लाइस के बिना बनाना चाहते हो तो आप ऐसे भी सैंडविच को बेक कर सकते हैं. बट हम थोड़ा और चीज़ी बनाएंगे और इसके ऊपर हम डेकोरेट करेंगे ब्लैक ऑलिव्स. अगेन टोटली ऑप्शनल है, बट सुंदर लगेगा हमारा सैंडविच जब बेक होगा. तो आप इसको गैस पर भी बेक कर सकते हैं, आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं. तो मैं आज ओवन में बेक कर रही हूँ. करीब 20 मिनट्स लगेंगे, 15 से 20 मिनट्स लगते हैं 180 डिग्री सेल्सियस पे. और ये हमारा बहुत ही टेम्प्टिंग, टेस्टी
चीज़ी मैगी सैंडविच रेडी है। अब क्या चाहिए आपको, आप इसको कट करिए और इन्जॉय करिए। टमाटो केचप के साथ भी इन्जॉय कर सकते हो। वैसे हमने इसके अंदर बहुत सारी सॉसेस ऐड करी हैं तो ज़रूरत नहीं है। आप इसके ऊपर चाहें तो थोड़ा और ओरिगेनो भी स्प्रिंकल कर सकते हो, थोड़ा सा चाट मसाला इन्हांस के लिए, फ्लेवर के इन्हांसमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा सैंडविच बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग रेडी है। इसकी आप लेयरिंग कर दीजिए, थोड़ा सा चीज़ स्प्रेड कर दीजिए, तो ये बहुत ही जायंट सैंडविच रेडी है। तो आई होप आपको ये डिफरेंट सैंडविच की रेसिपी, जो कि बहुत ही चीज़ी है और हमारी फेवरेट मैगी के साथ है, अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। Thank you for watching.